अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, और आज मैं लेके आया तो बहुत ज़्यादा एक तारीखी जगह के उत्ते एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान जिन्हों के गोसाइयां दे नाम तो याद जाने जाता है। पिंड का नाम है बद्दो के गोसाइयां। बद्दो के गोसाइयां दे साईं दास जी का जोड़ा अस्थान सी, ए पिछे बनया हुआ खूबसूरत है मंदिर जोड़ा कि अज भी इन्ना सॉलिड है और इन्ना मजबूत है। और हैरानकुन गल है कि बहुत घट चीज़ा बहुत घट जगह जड़िया ने आ जाओ बहुत घट जगह ऐसा ने जिन्होंने तू कि तीन कम्यूनिटीज़ जड़िया ने हिंदू सिख और मुस्लिम तीनों का आसार बहुत घट जगह तो तुम्हें कट्ठे मिलेंगे कि बहुत घट जगह ऐसा ने जिन्हों के तीनों धर्म मानते हो। लेकिन यह जगह बिल्कुल मैं एग्जैक्ट उस प्लेस पर पहुँचा वा जिथे कि हिंदू मुस्लिम सिख और बाद दियां जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ ने या पहले दियां कम्यूनिटीज़ ने वो भी इस स्थान नूं मंनदियां सन। उहदियां निशानियां इत्थे बकायदा तौर उत्ते मैं हिस्टोरी के हवाले दे नाल जिहड़ा ना वो मैं दसांगा। विशाल जिहड़ा मंदिर है अगर तुसीं इहनूं देखो तो इहदी बनावट जिहड़ी है बिल्कुल आम हिंदू मंदिर दी तरह है। लेकिन अगर ये कुछ चीज़ा तुसीं नोट करो तो वह काबले गौर है कि ए तो गिरद लगी हुई है बेरी और एक पासे लग्या है बोर्ड, दूसरे पासे लगे हुए छे पिपल और फिर दोबारा पिपल और एक बेरी। तीन धर्म तीन पवित्र ट्रीज यानी कि दरखत जड़े ने या जड़े दरखत लाए जाते सन यानी कि मुसलमान जड़े सन बेरी और खजूर के दरखत नूं बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इस मंदिर के नाल लगी हुई एक बेरी है जिहदे अंदर छोटा जिन्ना डूना बनया है और वो अंदर हले भी दीवा बत्ती बाली जाती है। यह लग्या हुआ बोड़ के दरखत, बोड़ के दरखत जड़े ने ज़्यादातर जड़े ने सिखिज़म के हवाले ने अगर देखा जाए तो सिखिज़म के लोग जड़े ने बाबा बोड़ जड़े ने उन्हां दी सेवा जड़ी है वैसट पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। फिर नाल लगे हुए जड़े ने अगे पीपल के दरखत ने और पीपल के दरखत जड़े ने मोस्टली हिंदू रिलीजन नूं जड़े ने वो शो करते हैं। ये है जी त्रिमूर्ति मंदिर है, तीन देवता की जिहड़ी पूजा है वो इत्थे कीती जांदी सी। खालिस्तान मुगलई इट नाल तैयार करदा है मंदिर है और समात 1892 दे विच दो सालां दे विच सारा शाकार मुकम्मल होया और बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रीन जिहड़ा मार्बल है रा ग्रीन मार्बल जिहड़ा मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हां कि किसी भी हिंदू टेंपल दे इंटरेस्ट दे वे वरना ब्लैक एंड वाइट जिहड़ा वो यूज़ किया जाता है। इसकी मैं कोई खास वजह नहीं पता लेकिन उस ब्लैक एंड वाइट मार्बल तो ये जिहड़ा मार्बल है ये लोकल पाकिस्तान के अंदर अज भी अवेलेबल है जिहदी शेड जिहड़ी है ग्रीन है। यह देखो तुसी यह चौखट है, यह चौखट है दी और ये अंदर जड़े ने तीन स्थान। एक है सामने जाओ तो वड्डा मूर्ति स्थान है, वड्डा मूर्ति स्थान तो बाद जड़ा है यह देखो तुसी यह वड्डा मूर्ति स्थान है और उस तो बाद एक जड़ा है वो लेफ्ट साइड पर है एक राइट साइड पर है और आर्ट वर्क देखो तुसी हले भी किसी ना किसी जगह के उत्ते कितना खूबसूरत किस्म का आर्ट वर्क है। समात 1890 यानी कि खालसा राज का दौर बनता है, ड्यूरिंग खालसा राज ये बनया हुआ शाकार है। बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, आज भी बहुत सॉलिड है लेकिन उत्ते कोई फ्रेशो वर्क जिहड़ा है वह नहीं है खास, लेकिन छोटे छोटे बेल बूटे जिहड़े ने वह बने हुए हैं इस जगह के उत्ते। तुसी देख रहे हो मंदिर तुमरी साहब
बदों के गुसाइयां, एंट्रेंस तीन दरा बरामदे दा हमेशा दी तरह, ये नाल बने हुए विशाल जड़ा है वड़ा सारा सरोवर जड़ा है, और ए लेडीज़ बाथ वास्ते पौना बनया हुआ है। मज़ेदारी की गल है, मैं बार बार कह रहा वहाँ कि तीनों मज़बा दी चीज़ा जड़िया ने दरख्त नज़र आ रहे हैं, बोड़ पिपल और खजूर बेरी। ए फीमेल बाथ दी जगह जिन्हों के पौना कहा जाता सी, और इस जगह तो पानी फिल होता सी। चारों पासे अज भी पिपल बोड़ पिपल बोड़ और एक दरखत बेरी का। ए नाल दी जगह जी है हूँ इतने कब्रस्तान बनया हुआ, जगह किसी के अंडर नहीं है, जगह बिल्कुल खाली पई हुई है। मुस्लिम्स कहते हैं कि साईं दास जी जड़े ने वो उन्होंने लोग पीर का दर्जा देंदे सन, और सिख जड़े सन उन्होंने गुरु का दास कहते सन, और हिंदू जड़े ने उन्होंने अपने गोसाइयां जड़ी चेन है वो इन्हों अपना गुरु मानते ने, वड्डे बजुर्ग मानते ने। ए देखो मैं जड़ी गल कर रहा सी कि छोटा जा दुना जा बनया होया, और ये अंदर जड़ी है बकायदा वो चिराग बत्ती की जाती है, जोत जगाई जाती है। अल्लाह लिखा हुआ ना लगे, ए मोहम्मद लिखा हुआ, इस तो साबित होता है कि तारीख दे विच भी तो हुण जिहड़ा इस जगह नूं मुस्लिम्स दे नाल भी जोड़िया जाता है। लेकिन मंदिर की हालत देख के और अस्थान की जगह देख के बहुत ही दुख होंदा मैनूं कि इस हालत दे विच है। बहुत लोगों की फरमाइश सी बाबा जी तुसी गोसाइयां जाओ और इत्थे जाके तुसी कवरेज करो इत्थे दी होली पौंड जिहड़ा है, और उहदे नाल जिहड़ा बनिया है वड्डा मंदिर है उहदे मुतलक 10 पौड़ियां लै के तो फिर इशनान घाट है 8 दरा थले वे जिस दे उत्ते असीं चल रहे हैं। ये वॉकवे जिहड़ा है बिल्कुल शाही अंदाज विच बनाया गया, जिस तरह के हिरन मीनार की बारादरी है, और हिरन मीनार की बारादरी या दरबार साहिब हरमिंदर जड़ा है उसकी एंट्रेंस है। यह देखो तुसी बिल्कुल सेम उस तरह यह गुजर के साईं दास जी दे अस्थान पर जाया जाता सी, और लेकिन अंदर जड़ा वो तिरी मूर्ति मंदिर है। लोग इतनु मंदिर तुमरी साहब कहते हैं, तुमरी जड़ा वो तिरी मूर्ति तो भी हो सकता है क्योंकि तिरी मूर्ति जड़ा कॉन्सैप्ट है तीन हिंदू गॉड्स की इकट्ठी पूजा करन दा है। यह है गवर्नमेंट का बनाया हुआ स्कूल, चाहे मंदिर अपनी असल हालत दे विच है लेकिन बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है, खुद ब खुद ही डिसमेंटल हो रहा है, टूट रहा है, कोई तोड़दा नहीं है। इत्थों ही तुसी अंदाजा ला लो कि इस वेले ये टाउन है 40,000 की आबादी है इस वेले, जिहड़ा कि कदी पिंड हुंदा सी जिहदी टोटल आबादी सिर्फ सिख और हिंदुआं ते सी जिहड़ी 1947 विच माइग्रेट करके चले गए इंडिया नूं और ईस्ट पंजाब नूं, और ईस्ट पंजाब तो मुसलमान आके सारे इत्थे वसे। उस तो बाद इस जगह की कोई देख रेख नहीं हुई,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਸੀ ਡੇਰਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋ ਕੀ ਗੁਸਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਕ ਆ ਉਧਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਰੀਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਂਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਦਿਰ ਤੁਮਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਗੋਸਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਮੁਰੱਬੇ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਂਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ